हेलो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम टू द आदित्य क्लासेस बीकानेर एंड एज यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है प्रीवियस वीडियो से वो है अबाउट एटीट्यूट बिफोर प्रोसीड फर्दर लेट मी डिफाइन एटीट्यूड इज जस्ट योर पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स योर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल ओपिनियन अबाउट समथिंग योर इवेल्युएटिंग स्टेटमेंट दैट इज योर एटीट्यूड टूवर्ड्स समथिंग अब हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये बात बोली थी कि हमारा एटीट्यूड टूअर्ड्स पीपल इवेंट ऑब्जेक्ट, किसी के बारे में भी हो सकता है बट नॉर्मली मैनेजमेंट एजुकेशन में या ओ में हम बात करेंगे उन एटीट्यूड्स की जो कि हमारे जॉब से रिलेटेड है तो हम यहाँ पे चार बेसिक एटीट्यूड डिस्कस करेंगे फर्स्ट वन इज जॉब सेटिस्फैक्शन सेकेंड वन इज जॉब इन्वॉल्वमेंट थर्ड वन इज Organizational commitment and fourth one is OCB that is organizational organization citizenship behavior. तो इनमें से हम first start करते हैं that is job satisfaction. अगर हम बहुत ही simple definition में बात करें तो Our feelings towards our job is job satisfaction. And if we have positive feelings, positive attitude, favorable attitude towards our job, that means we are highly satisfied. And if we have negative feelings, negative attitude towards our job, that means we are not satisfied. और रादर वी कैन से डिसटिस्फाइड फ्रॉम आवर जॉब देर आर फ्यू थिंग्स जिनका कि आपके जॉब सेटिस्फैक्शन पे इम्पैक्ट आता है कुछ चीजें हैं उनमें से जैसे मैं आपको बताऊं एक है आपका वर्क uh, ओवरलोड अगर आपके ऊपर वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और आप पे कंटिन्यूसली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का प्रेशर है तो उसका आपके ऊपर जॉब के सेटिस्फेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा एक चीज है आपके टाइटर डेडलाइंस कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जहाँ पे आपको हमेशा ये प्रेशर रहता है कि ये काम आपको एक पर्टिकुलर टाइमिंग के अंदर फिनिश करना है और रोज़ आप समझ लो कि उसी तरीके की जो है वो माथा पच्ची होती है मैं बहुत बार मैं बहुत बार जो टी ट्वेंटी क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं उनके बारे में मैं सोचता हूँ कि प्रीवियसली अपन ने जो भी गेम्स देखे हैं क्रिकेट के वो हमेशा एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हैं जबकि आप प्लेयर के अगर नज़रिए से देखें तो टी का ऑलमोस्ट हर मैच बीसवें आवर की तरफ जाता है और एकदम टाइट फिनिशिंग वहाँ पे होती है तो जहाँ पे भी टाइटर डेडलाइंस है चाहे आप बैंकिंग में ले लीजिए आपको डेली वहाँ पे चार रहे होते हैं ज़्यादातर जो बैंकिंग टाइमिंग्स है फ़ोर ओ क्लॉक का और आपको पता होता है कि चार बजे कैश मिलना चाहिए तो आपको बिल्कुल डेली वो टाइमिंग आता हुआ दिख रहा होता है कि आपको वहाँ पे या फिर आप जो ट्रेन ड्राइवर्स हैं या फिर जो बस ड्राइवर्स हैं उनके ऊपर हमेशा जब भी वो गाड़ी चला रहे होते हैं तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचने का एक प्रेशर आपको मिलेगा एक और चीज़ है दैट इज प्रेशर टू अवॉइड एरर प्रेशर टू अवॉइड एरर जहां पे ज्यादा होगा वहां पे आप देखिए जॉब सेटिस्फेक्शन हमेशा कम होगा जितने भी डिफेंस जॉब हैं जहाँ पे गलती होने का चांस बिल्कुल नहीं रहना चाहिए अगर आप बॉर्डर पे तैनात हैं या आर्मी एरिया में तैनात हैं तो आपको हर समय ट्वेंटी फोर इंटू सेवन जो भी आपका ड्यूटी आवर्स है एक्सक्यूज़ मी उसमें आपको एक्टिव रहना पड़ेगा आपसे प्रेशर टू अवॉइड एरर है कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की गलती भी जो है वो आप वहां पे नहीं कर सकते हैं सेम केस विथ बस ड्राइवर एंड लोको पायलट भी रहता है तो ऐसे मामलों में इवन बैंकिंग के अंदर अगर आपको चार बजे कैश नहीं मिलता है तो कैशियर के लिए अकाउंटेंट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो टाइटर डेडलाइंस हैं या फिर वर्क ओवरलोड है या फिर प्रेशर टू अवॉइड एरर है या फिर एक पॉइंट है आपके दैट इज़ डिमांडिंग बॉस कुछ जगह ऑफिसज़ के अंदर जो लीडरशिप होती हैं जो टॉप पोजीशंस पे मैनेजर्स बैठे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं श्रूड होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि बस जल्दी से जल्दी काम फिनिश हो जिनको हम लीडरशिप में कई बार बोलते हैं कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड पीपल और कुछ रिलेशनशिप ओरिएंटेड एक लीडरशिप होती है तो जो नॉर्मली जिनका फोकस केवल प्रोडक्टिविटी पे होता है और वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं बॉस वहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन हमेशा आपको कम मिलेगा एक और पॉइंट है कि अगर आपका अपने वर्क पे कंट्रोल नहीं है आप इतने ज़्यादा स्किल्ड नॉलेजेबल नहीं हैं एबिलिटीज़ आप में नहीं हैं उस केस के अंदर भी हम अपने वर्क का वर्कलोड फील करते हैं और हम अपने आप को थोड़ा सा डिसटिस्फाइड महसूस करते हैं तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि किस पे इम्पैक्ट डाल रही हैं जॉब सेटिसफेक्शन पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं अब जॉब सेटिस्फैक्शन को मेजर कैसे किया जाए तो इसकी दो पॉपुलर अप्रोचेज हैं एक सिंगल रेटिंग अप्रोच है जिसमें आप एम्प्लॉइज़ को डायरेक्ट ही पूछ लें कि आर यू सेटिस्फाइड और नॉट तो उसके अंदर वो येस और नो में आपको जवाब दे देगा अब उसमें होगा क्या कि एक्चुअल में जो ओवरऑल चल रहा होता है जो भी अपन ने पॉइंट डिस्कस किए कि वो बॉस से नाराज़ था सैलरी से नाराज़ था या फिर कलीग्स के साथ में उसका नहीं बैठ रहा था या सही से चल रहा था ऑफिस में कलीग्स भी अच्छे थे वर्कलोड भी इतना नहीं था और वो सब था तो ओवरऑल फीलिंग्स को वो येस और नो में बता देगा तो उसको अपन ने एक नाम दिया है दैट इज़ सिंगल रेटिंग एक स्केल बन जाएगा और उससे पता चला जाएगा एक अप्रोच हो सकती है कि हम कुछ क्राइटेरियाज़ सेलेक्ट करें और उन क्राइटेरियाज़ पे हम जो है वो चूज़ करके पूछें एम्प्लॉज से जिसको हम नाम दे रहे हैं समेशन अप्रोच जिसमें वो क्राइटेरिया हो सकते हैं कि वो अपने टास्क से या नेचर ऑफ वर्क से सेटिसफाई हैं क्या सुपरविजन जो है उनका जो पे है या फिर उनके जो कोवर्कर्स के साथ में रिलेशनशिप है बॉस के साथ में जो रिलेशनशिप है या उसमें ग्रोथ एंड चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है तो इस तरह की कोई चार पांच क्राइटेरियाज़ हम सेलेक्ट करके और उनके बेस पे भी पूछ सकते हैं तो उसको हम जो नाम देंगे वो होगा समेशन अप्रोच ऑफ मेजरिंग जॉब सेटिस्फेक्शन अब आती है मुद्दे की बात कि डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय क्या करेगा तो uh, इसके रिलेशन में हमारे पास में एक टेबल है मैं आपको टेबल से एक्सप्लेन करता हूं कि डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय क्या कर सकता है तो नंबर वन थिंग जो है कि डिससेटिस्फाइड जो भी एम्प्लॉय हैं या जितने भी एम्प्लॉय हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं या तो वो कंस्ट्रक्टिव माइंड के होंगे या वो डिस्ट्रक्टिव माइंड के होंगे कुछ लोग होते हैं ना एकदम बगावत की उस समय हमेशा उनके दिमाग में बगावत तोड़ फोड़ घूमती रहती है दिमाग के अंदर कुछ इस तरीके के और कुछ कंस्ट्रक्टिव माइंड के होंगे जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो चार चीजें पॉसिबल है एग्जिट वॉइस लॉयल्टी एंड नेग्लेक्ट तो अब आप इस टेबल को देखिए जो भी कंस्ट्रक्टिव फ्रेम माइंड के होंगे और वो थोड़े से एक्टिव एम्प्लॉय हैं तो वो सबसे पहले क्या करेंगे वॉइस वॉइस मींस वो अपने जो भी मैटर हैं चाहे वो सैलरी के हैं प्रमोशंस के हैं या फिर कलीग्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हैं तो वो उनको मैटर को रेज करेंगे और आउट करने की कोशिश करेंगे कंस्ट्रक्टिव माइंड के हैं प्लस एक्टिव एम्प्लॉय हैं कंस्ट्रक्टिव हैं लेकिन पैसिव हैं इतना उनको फ़र्क नहीं पड़ता है तो वो एज ए लॉयल एम्प्लॉय बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि हाँ एक ना एक दिन तो ये सब सॉल्व हो ही जाएगा और वो कोशिश करेंगे कि वेट करेंगे कि भाई मैनेजमेंट जो है वो इन सब चीज़ों पे ध्यान देगा और वो इनको सही करेगा लेकिन डिस्ट्रिक्टिव माइंड के हैं और एक्टिव हैं तो वो एग्जिट कर जाएंगे और वो डिज़ाइन दे के ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाएंगे और अगर वो डिस्ट्रिक्टिव है लेकिन पैसिव हैं तो वो क्या करेंगे कि थिंग्स को नेग्लेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशन में बैठे रहेंगे और परेशान रहेंगे लेट आना स्टार्ट कर देंगे ज़्यादा छुट्टियाँ लेना स्टार्ट कर देंगे ऑफिस से या फिर उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी लेकिन वो लॉयल एम्प्लॉय की तरह उसको सॉल्व करने की भी कोशिश नहीं करेंगे मैनेजमेंट से भी बात नहीं करेंगे या वो जो एक अप्रोच होती है ना कि जाने दो अपने को क्या उस तरह से नेग्लेक्ट टाइप की फॉर्म में वो चले जाएंगे तो अपन ने बात की जॉब सेटिस्फैक्शन की अब अपन बात करते हैं जॉब इन्वॉल्वमेंट की जॉब इन्वॉल्वमेंट एक ऐसी चीज है जहाँ पे हाउ मच यू लव योर जॉब हाउ मच योर यू लव योर जॉब दैट मीन्स आपको अपना जॉब कितना अच्छा लगता है उससे कितना प्यार है आपको जैसे फॉर एग्जांपल हम आईपीएल देखते हैं तो उसमें बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो अलग अलग जो आईपीएल होते हैं हर साल सीजन जो आईपीएल के होते हैं उसमें वो अलग अलग टीम से खेल रहे होते हैं तो समहाउ यहाँ पे ऐसा है कि उनको अपनी टीम से प्यार बेसिकली यहाँ पे नहीं है उनको अपने जॉब से प्यार है कि उनकी बैटिंग स्किल हैं या फिर फील्डिंग या फिर बॉलिंग स्किल्स हैं तो जिस टीम में उनका सिलेक्शन हो जाता है जो फ्रेंचाइजी उनको बाई कर लेती है वो उस टीम के लिए अच्छा खेलना स्टार्ट करते हैं बिकॉज दे लव देयर जॉब और इसी से एक अटैच्ड कंसेप्ट है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में आपको प्यार तो हो रहा है लेकिन किससे हो रहा है आपको प्यार हो जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन से एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज योर विलिंगनेस टू स्टे देयर फॉर ए लॉन्गर पीरियड दैट मीन्स आप जॉब से तो प्यार है या नहीं लेकिन एटलीस्ट आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से प्यार हो गया है आप उससे अपने आप को अटैच फील करते हैं और आप कोशिश करते हैं कि आप लॉन्ग टर्म तक वहाँ पे अटैच रहेंगे आपसे जैसे ही पूछा जाए कि आप पाँच साल बाद इस ऑर्गेनाइजेशन में होंगे क्या और आपका आंसर येस yes है तो समहाउ आप कमिटेड हो चुके हैं किससे उस ऑर्गेनाइजेशन से दैट इज ऑर्गेनाइजेश्नल कमिटमेंट एंड देर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन जॉब इन्वॉलमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जॉब इन्वॉलमेंट में आपको जो प्यार हो रहा है आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूट है वो टूवर्ड्स योर जॉब है और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के अंदर जो है वो आपको प्यार हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन से अब यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल के आता है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से प्यार थोड़ा ज़्यादा हो जाए मतलब बेहद ऐसा एक टीवी सीरियल भी आता है तो आपको थोड़ा सा वो बेहद टाइप का प्यार ऑर्गेनाइजेशन से हो जाए तब आप चले जाते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर वॉट एक्जैक्टली ओ सी बी मींस योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड आपको इतना प्यार हो गया है कि आप अपने आप को ऑलमोस्ट सिटीजन समझने लग जाते हो जैसे भारत मेरा देश है उस टाइप की जो हालत है वो फीलिंग आपके अंदर आ जाती है कि भई ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा है और मैं इसका हूं एंड वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू ऐड फर्स्ट वन इज कि यू हैव पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंपॉर्टेंट थिंग यू आर रेडी टू डू बियॉन्ड योर ड्यूटीज जो आपकी ड्यूटीज़ में काम है ही नहीं आप उनके बियॉन्ड जाके भी काम करने को अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए तैयार हो जाते हैं आप बहुत बार ऐसा देखेंगे कि ऑफ़िस में सपोज़ आपके जूनियर स्टाफ या फिर सपोर्ट स्टाफ जो है वो नहीं आया और आपने ख़ुद ने ही जो है वो अपने ऑफिस में टेबल सामान उठा के इधर उधर करना स्टाफ कर चालू कर दिया जबकि वो आपके स्केल का काम नहीं था आपके ड्यूटी चार्ट में वो नहीं था और आप उस लेवल पे आ जाते हैं दूसरे को भी हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं बियॉन्ड टाइमिंग्स आप रुकना स्टार्ट कर देते हैं तो आप समझ लो कि आपको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन सिटीजनशिप बिहेवियर वाले मोड में आप हो गए अब कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जैसे एक चीज़ जो एक फॉर्म है कि आपके कोई वो कोवर्कर को अगर वो अच्छा फील नहीं कर रहा है या वो कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसकी जगह पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं एक मैंने आपको बोला कि आप बियॉन्ड ड्यूटी आवर्स भी लेट तक रुकना स्टार्ट करते हैं और अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने स्कूल कॉलेजेस ऑफिसेस में देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम से पहले आ जाते हैं टाइम के बाद बैठे रहते हैं दूसरों की डेस्क का का, का काम भी कर देते हैं एक और चीज़ कि आप मतलब न, सोसाइटी में इधर उधर भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं इवन सम टाइम्स कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आप ले लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है हो गया मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए एंड आप एकदम अंडरस्टैंडिंग रखते हैं अदर पर्सनस के लिए आपकी एक कट रहती है और आप मतलब उस मोड में आ जाते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा है और मैं इसका सिटीजन हूँ दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर तो यहाँ पे हम चैप्टर को कंप्लीट करते हैं एटीट्यूड के और यहाँ पे हमने केवल चार एटीट्यूड ही डिस्कस किए क्योंकि हमारा एटीट्यूड कार हाथी घोड़े सिगरेट और टबैको के लिए क्या है उससे मतलब ओ के सलेबस में उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है पर्सनल लाइफ में तो है यहाँ पे हमको जिन एटीट्यूड की बात करनी है वो जॉब सेटिस्फैक्शन जॉब इन्वॉलमेंट ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर है एंड एटीट्यूड इज सिंपली आवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स टूवर्ड्स समथिंग Our favorable or unfavorable opinion about something is attitude. Thank you.